बस जी बड़ा जरूरी मुकदमा लेकर आई हूँ आपके पास। मेरे खानदान की ना इज्जत नाम मकाम इस नाम मुराद कलमुई की वजह से ना मट्टी में मिलने वाला है, और ये जो मेरा पुत्र है ना नहीं सुनता मेरी ये ना। तो मतलब ये हुआ कि चार्ली साहब तुम्हें कोई रोशनी पाओ। पोता ना होने के जुर्म में मेरी बीवी ने ना मेरी नूह को मनूस करार दे दिया। ये तो ठीक बात नहीं ना। हाँ जी, और क्या पता खाला तुम्हारा पुत्र ही मनूस हो। ओए जब इज्जत दिला नहीं सकते तो ब्याते क्यों हो? बस मैंने अपने बेटे का दूसरा ब्याह करना है, पर ये अहमक है ना बीवी की बातों में आया हुआ जी, थल्ले लगाए बीवी के। और अगर दूसरी बीवी से भी बच्चा ना हुआ तो? तो वसन है भाई इस बात पे, दूजी तो भी नहीं होया फिर। ये तो जी शादी करवा के ही पता चलेगा ना कि होता है कि नहीं होता। यानी के दो दो लड़कियों की जिंदगी का सत्यानाश है। मिया जी देखो मेरा लड़का ना ती का होने वाला है, आगे को बुढ़ा हो जाएगा तो हमारी जमीने हैं जायदाद है कौन देखेगा? शरीकों ने तो अपने नाम लगा लेनी है, उनको तो मौका चाहिए। ठीक है ठीक है, मेरे ख्याल से मियां जी नए तजुर्बे के बजाय क्यों ना हम पुराने वाले कामयाब तजुर्बे को दोहरा कर वारिस हासिल कर लें। हैं जी, अब देखे ना खाला का पुत्र तो राजी है नहीं, आप ना खाला के शौहर की दूसरी शादी करवा दें। रानिया बीबी जिंदाबाद, रानिया बीबी जिंदाबाद। ओ जी ऐ ते फैसला हो गया, मैं दूजी शादी करने के लिए बिल्कुल राजी हूँ। चलो जी चलिए। हाँ जी। ओ जी जमीन आसमान एक कर दूंगी जी मैं, खून की नदियाँ बह जाएंगी। नदियाँ बैंड दे खून की नदियाँ बहेंगी तो बहने दे, पर जायदाद संभालने वाला वारिस से आ जाएगा ना। रानिया बीबी मैं सद के जाऊं वारी जाऊं ठंड पैगी के लेजे पे। चलो अब्बा जी अब कराती हूँ मैं आपका दूजा ब्याह, चांद सी दुल्हन लाऊंगी चांद सी। चल 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 मैं अम्मा जी को बोलती हूँ रिश्ते वाली वो ढूंढने की, रिश्ता आ ही पड़ा मेरा, शादी में बुलाना जरूर। सुनो तो पुत्र, मियां साहब बता रही हूँ मैं, ये जो आपकी पोती है ना गज भर लंबी जुबान है इसकी, फितनी है साजिशी है ये, लगामे डाल के रखो मियां साहब इसको बता रही हूँ मैं। मेरा घर बर्बाद कर रही है हंसता बसता। अब कैसे तड़प रही है, जब बहू पे जुल्म ढा रही थी तब कैसे अकड़ के बैठी थी यहाँ पे मियां जी? रोनी मियां जी मैं बता रही हूँ लगामे डालने इस लड़की को, पूरे गांव में ना मशहूरी हो जानी है, क्या कह के गई है औरत, फितनी ते मीसनी डंके पिट जाएंगे। मैं बता रही हूँ तुझे रोनी अपनी जुबान पर काबू पा ले, मैं डालूंगी समझाए इसको, मैं तो परेशान होगी जिंदगी साफ करती है। मचे तेरी माँ जो है ना छोटे दिल वाली, घबराया जाती है डर जाती है, उस पे मुझे बड़ा फखर है मान से, हक की बात करती है सच का साथ देती है। ये तेरे में इत्माद है ना अपनी माँ को भी दे थोड़ा सा। ठीक है मियाँ जी। हाँ मैं फिर जरा